Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel again. और कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? Hopefully फिट फाट होंगे और ठीक ठाक होंगे. और आप लोगों ने ज़ारे दावत का व्लॉग देखा होगा, आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, सो उसके लिए थैंक यू सो मच. आपने इतना प्यार बरसाया और कॉमेंट्स में फर्दर रीड करती रहती हूँ, उसके साथ जितना हो सकता है मैं जवाब भी देती रहती हूँ, तो प्लीज़ उस पर मुँह ना बनाया करें. तो आज का मेरा व्लॉग है मेरी बर्थडे सरप्राइज़ के हवाले से, जो कि मुझे कोई नहीं दे रहा, नो एक्सपेक्टेशंस. तो खैर फिर मैंने सोचा यार किसी के इंतज़ार में क्या बैठना या फिर किसी से उम्मीद क्या लगाना है. तो शताज खान तुम अपने लिए काफ़ी हो, तुम अपने लिए काफ़ी हो, तुम्हारे शताजियंस तुम्हारे लिए काफ़ी हैं. कम से कम उनको तुम्हारे बर्थडे याद रहता है, वो काउंट डाउन लगाते हैं, तो बस उसी से हैप्पीनेस मिल जाती है. और आप देख सकते हैं मेरी तबीयत भी ख़राब है, मैं 12 बजे उठी क्योंकि मैंने जो है ना वो जो बहुत 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 ज़्यादा जो है क्या नाम है, हमेशा से जो है क्या नाम है, मुझे फ्लावर्स जो आप मेरी स्टोरीज पे देखते हैं जो भेजता है वो फ्लावरिस्ट, रॉयल फ्लावरिस्ट, तो उससे मैंने कहा कि मुझे ऐसा रूम डेकोर करवाना है, तो उसने कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ. तो उसने फिर जो है क्या नाम है, अभी डेकोरेशन वाले भेजे हैं, तो मैं अपने रूम में थोड़ी सी अपनी खुशी के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो बनवा रही हूँ, डेकोरेशन की चीज़ें लगवा रही हूँ. तो उससे ये होगा कि मैं खुश हो जाऊँगी थोड़ा सा, मुझे लगा हाँ मैंने अपनी जात को खुद सरप्राइज़ कर दिया. हाँ इट्स ओके फाइन. तो अभी वही चल रहा है और घर में मेहमान भी आए हुए, बहन भी आई हुई है, खाला भी ऑलरेडी आई हुई है, वो तो वो हो जाए. और इतने ही दौरान में अब कोई जा तो रहा नहीं है मेरे लिए, मेरी बहनें सोई पड़ी हैं, सिर्फ रोहा जाग रही है, तो इस दौरान में मैं जाऊँगी अपने लिए खुद. कभी देखिए अपने बर्थडे ऐसे करते हुए किसी को, जो खुद अपने बर्थडे सारे काम कर रही हो, मतलब कोई खास एक्साइटमेंट ना हो उसको, लेकिन वो फिर भी अपने अंदर एक्साइटमेंट जगा के अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हो. वो लड़की वाहिद इस दुनिया में मैं ही हूँ शायद, इसका नाम है शताज खान, जो हमेशा अपनी बर्थडे को खुद सेलिब्रेट करती है. हाँ प्रीवियस ईयर में जब मैं गेम शो से वापस आई थी, उस दिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए मेरा डेकोरेट करके और मुझे अच्छे सरप्राइज़ किया था. बट उसमें पता है आप लोगों को क्या हुआ था, उसमें मैंने अपने लिए फ्लावर्स पहले से ऑर्डर किए हुए थे, मैं अपने हैप्पी बर्थडे टू मी का केक भी लेकर आई थी. सो खैर जिस तरह की मेरी थीम है मैं आपको दिखाती हूँ, अभी ये रूम थोड़ा सा डेकोर हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को उसके थोड़े से चंक्स दिखाती हूँ, बल्कि चंक्स क्या पूरा ही देख लें आप लोग, वैसे भी तो आप लोगों ने स्टोरीज़ में देख ही लेना है, तो व्लॉग तो कल अपलोड होगा, तो आज वाला तो हो चुका. तो ये है कि उसको आप इंजॉय करें, फिर मैं जाती हूँ थोड़ी देर में रोहा के साथ अपने लिए कपकेक लेने, कैंडल लेने, फ्लावर्स लेने और बहुत सारे बलून्स लेने, क्योंकि मेरी सारी खुशी इसी चीज़ में. हाँ आहत भी जाएगा ना? मैं भी जाऊँगा. ठीक है आहत भी जाएगा, मैं भी जाऊँगी. और डेकोर हो चुका है और ये जो है फाइनल डेकोर है, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ. ये बलून्स मैं ले आई हूँ, ये बलून्स मैं ले आई हूँ, ये मैं लेकर आ गई हूँ, वो वाला बुके मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे भिजवाया है फ्लॉरिस्ट वाले ने जिनके पेज को मैं मेंशन करती हूँ, और ये वाला फेवरेट वन फॉर पिक्चर्स. ये जो कलरफुल है ये सब मैंने अपडेट किए हैं थोड़े से, मैंने कहा छोड़ो चंकी मंकी सा भी हो जाए.
तो गाइज आप लोगों ने देख लिया मेरा रूम, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कुछ इस तरह का डेकोर हुआ है और आई एम इन सो लव विद दिस डेकोर। इसमें से आधी मेहनत हम जो है वो क्रेडिट है, आधी मेहनत का जो देंगे वो है रॉयल फ्लोरिस्ट को, क्योंकि उन्होंने किया है। और उसके अलावा मैं उनका पेज भी यहाँ पे टैग कर दूँगी, तो अगर आप लोग के कोई इवेंट्स आते हैं, बर्थडे वगैरह, एनिवर्सरी, एनीथिंग, या फिर फ्लावर्स बाई करने हैं, वट एवर, इनके पास सब कुछ होता है, तो आप लोग इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं भंगन बनी हुई, अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आई गेस 7:30 हो चुके हैं, नहाऊँगी, नहाते नहाते 8 बज जाएंगे, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तैयार होने के बाद मिनाल मेरी पिक्चर्स लेगी, क्योंकि मेरा आइडिया था कि मैं फ्लावर वो उसको फोटोग्राफर को बुलाऊँ, बट फिर मैंने उसको मना कर दिया जस्ट बिकॉज के लेट हो गई थी रिकॉर्ड, तो फिर मेरा दिल ख़राब हो गया था, मूड ऑफ हो गया था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो हम ऑफ़ करते हैं सीन, फिर कभी कर लेंगे शूट वगैरह वट एवर जो भी है। तो मैंने कहा कि मेरा बस तुम मेरी पिक्चर्स ले लेना जो मैं खैर, तो चलें जब तक के लिए मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर आप लोग को मेरा आफ्टर लुक यानी कि बर्थडे लुक पता चलेगा। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरा मेकअप पर कितना प्यार लग रहा है, क्योंकि मैंने रॉयल लिपस्टिक के साथ जो है क्या नाम है वो स्मज करके जो है ब्राउन और ब्लैक लाइनर लगाया है, ठीक है। उसके अलावा बस सिंपल सा ही मेकअप एज इट इज़ हमेशा की तरह होता है, और हमेशा हम लोग ये भी मांगते हैं कि मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल, तो मैं ज़रूर मेकअप ट्यूटोरियल भी दूंगी। थोड़ी सी लाइट कम लग गई, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये लाइटिंग्स पर आई हुई हैं ऊपर वाली, तो इतना फील नहीं होता। हाँ, मुझे नेल्स भी लगाने में, फेक नेल्स लगाऊंगी अभी, क्योंकि मैंने ना एक्रेलिक्स करवाया है ना मैंने कुछ, मतलब एक एक्साइटमेंट ही नहीं होती बर्थडे, वरना मैंने लड़कियों को देखा है मतलब फुल फुल फेशियल एंड ऑल सारी चीज़ें होती हैं यार की बर्थडे आ रही है, बट मुझे नहीं होती। और गाइज ये देखो आप लोग, मैं खा रही हूँ तरमानी और गुबीद, ये सर्दियों की सौगात होती है, ठीक है ना। ये है गुड़ से बनती है, ये भी बहुत 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 हेल्दी है और बहुत मज़े की है। और ये भी जो है गुड़ को बिल्कुल गाढ़ा करके उसके अंदर थोड़े से जो है ना स्पाइसेस डाल के ओ हो वीवीआईपी तरीके से बनाते हैं, इतना मज़ा आता है इसको खाने में, इतना मज़ा आता है इसको खाने में, और इतने ये मज़े की होती है जिसकी कोई हद नहीं। और मम्मा जो है क्या नाम है इसके फ़ायदे बता सकती है, मुझे इसके फ़ायदे नहीं पता। तो बस इसी दौरान मैंने अभी 11 बजने वाले हैं, इसी दौरान मैं नहाया, अपने आप को फ्रेश वगैरह किया, खाना भी खा लिया, दो दफ़ा खाना खाया, बस अब सिर्फ बाल बनाने हैं, ब्लो ड्राई करूँगी या फिर स्ट्रेट करूँगी, फिर उसके बाद उससे पहले स्ट्रेट करते साथ ही कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करने के बाद करती हूँ पिक्चर्स लेती हूँ कपड़े चेंज करते हुए बाल भी हो जाएंगे, बाल एसेसरीज जो भी पहनी है, फेक नेल्स जो भी लगा लूँ के फिर मैं पिक्चर्स लूँगी ताकि इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो। और गाइज ये मोबाइल मैं आप लोग को बता दूँ कि ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये मोबाइल मैंने जो है वो रेंट पर लिया है मिराल से, 15 Pro Max एंड शी इज़ हेयर, इसे लिया है क्योंकि मेरे मोबाइल में ये जो स्टोरेज फल है, तो मैंने कहा क्यों ना जब एक मोबाइल है घर में तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। सो बस इसके बाद हम वापस आते हैं केक कटिंग सेरेमनी पर, सो उससे पहले हम पिक्चर्स वगैरह करते हुए भी आपको शॉर्ट क्लिप्स दिखाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस दिस इज माय फाइनल लुक फॉर माय बर्थडे, और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत जल्दी विश कर दिया, मतलब 12 बजे ही विश कर दिया, तो मैं इसलिए व्लॉग ऑन नहीं कर पाई। और ये गिफ्ट दिया है मुझे, ब्यूटीफुल से फ्लावर जो दिए हैं ये मिराल ने दिए हैं, ये उजबा ने दिया है मुझे ये वाला, और ये मेरे जो हाथों में गजरे देख रहे हैं भी उजबा ने दिया है। सो अभी हम जस्ट काटेंगे केक वगैरह और मैं अपनी पिक्चर्स दूंगी ताकि मैं इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड कर सकूँ। सो कैसी लग रही हूँ मैं अपने बर्थडे में? अच्छी लग रही होंगी यकीनन। और आप लोगों की विशेज आना भी स्टार्ट हो चुकी हैं, वो भी मैं देख रही हूँ, सो थैंक यू सो वेरी मच जिन्होंने मेरा बर्थडे का काउंटडाउन लगाया, मेरे फ़ैन पेजेस के अलावा अदर पीपल्स जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सबका दिल दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, आप इतना सपोर्ट करते हैं, एंड लव यू ऑल। तो बस केक कट करते हुए फिर बनाते हैं वीडियो साथ में और सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ में, उसके बाद पिक्चर्स होंगी और बस फिर व्लॉग एंड की तरफ जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। भाई ये मिराल का कमरा जो है ना वो बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है, और ये मेरी फाइनल लुक है, क्यूट लग रही हूँ ना मैं, क्यूट लग रही हूँ मैं, हाँ प्यारी लग रही हूँ मैं। ये मैंने टॉप पहना है, उसके नीचे जय जय
जीन्स पहनी हुई और ये हाथों में गजरे लीजिए बेगम ने लिए जो कि पीछे खड़ी है। सो होपफुली आप लोग को मेरा लुक जो है ये बर्थडे वाला पसंद आया होगा और ढेर सारी दुआएं और ढेर सारा प्यार चाहिए मुझे मेरे ब्लॉग पे बर्थडे के ब्लॉग पे। और हमने बहुत सारी पिक्चर्स देनी है। रोहा जनाब ने अभी एक ऐसी हरकत की है जो कैमरे में रिकॉर्ड करने वाली थी लेकिन वो रिकॉर्ड हुई नहीं, हमने लेट कैमरा खोला है। रोहा को मैंने बोला कि ये वाले बलून जो मुझे दे दो, उसने इसके साथ अटैच कर दिए थे। रोहा ने उखाड़ के दिए, कहती है ये लो बजाय के पूरा दे देती। इसके बाद सब खड़े हुए, मेरे ऑडियंस खड़ी है पीछे देखने के लिए कब खत्म हो, तो कब जो है कि आप लोग केक काट के तालियां हो जाए। चलो आते हैं थोड़ी देर में आपके पास। टांग यहाँ तक लाओगी तो, और ऊपर से कह रही हूँ वर्टिकल एंगल में लोगो, चार गुना और लंबी हो जाए। आज की ताज़ा खबर मम्मा ने इसके सर में कांटा मार दिया है। मम्मा पोज कर रही थी और पोज करते करते मम्मा ने फूलों वाला जो बुके है वो मिराल के सर में घुसा दिया है और ये देखेगा इस कांटा इसके चुभ गया और मम्मा कांटा निकालनी है और खून भी निकल रहा है और साथ में खुशबू भी निकल रही है। खुशबू नहीं शादा नहीं है, नहीं है ना, निकल गया ना अब चुड़ैल वो होगा ना, खून निकल रहा है ना तो अब लगेगी। हाँ खून निकल रहा है, देख नहीं है काटना, मैंने हटा दी थी, ज्यादा चुप रहा था ना, मैंने कीट दिया था। इस जगह देखिए कोई चीज नहीं है, नहीं है, वो तुम्हारा जख्म हो गया है, अब तुम्हें उसमें दर्द हो रहा है और कुछ भी नहीं है। गाइस मम्मा ने उसको कांटो वाला ये वाला बुके मारा था, ये वाला, अब इससे तो खून निकलेगा जाहिर सी बात है, चुप रहा है तो ये वाला मारा था। हटना जरा, ओह नाइस, सो दिस इज माय फुल लुक अगेन, खूबसूरत लग रही हूँ, बहुत प्यारी लग रही हूँ। तो मैं अब यहाँ पे लास्ट अपनी जो है वो वीडियो कंप्लीट करवा रही हूँ और इस तरीके से मैंने जो है वो लाइट्स ऑफ कर दिए हैं ताकि मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करवा सकूँ। और हमने पिक्चर्स पोस्ट पिक्चर लगा ली है, मतलब पिक्चर ले ली है, लगाई नहीं है। देखिए गाइस हम लोगों ने पिक्चर्स के लिए ये भी किया है, ठीक है ना। तो पिक्चर्स वगैरह हो जाए, कम्प्लीट वीडियो हो जाए रील के लिए कुछ, तो फिर इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगी। व्लॉग के बाद ही नज़र आएगी, कल ही आपको नज़र आएगी, आज शायद मैं एक आध से दो पिक्चर डालूँ बस, वो भी बहुत लेट हो जाएगा तो इसलिए नहीं डालूंगी। सो लेट्स सी मिराल के कांटे निकलते हैं तो फिर हम अपना शूट कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज की फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर मिराल खान है मेरे साथ। तो गाइस ये केक मंगवाया है मेरी बहन ने, 1000 में मेरी बहना है, थैंक यू सो मच मिराल। और ये केक था मैंने अपने लिए मंगवाया था, ठीक है ना। और ये मेरे छोटे छोटे से कप केक जो मेरे शूट के लिए थे, तो अब हम केक कट करने जा रहे हैं और पहले सबके साथ करेंगे फिर हम अकेले करेंगे। कुत्ते ने ताज तो लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, क्यों उड़ाएंगे ताश। तो गाइस फाइनली हमारी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है एंड दिस इज माय फैमिली और रोहा व्लॉग बना रही है। रोहा हम आपको मिस कर रहे हैं, आप अभी नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ जरूर आइएगा। गुल आई मिस यू, तुम्हारा दिया हुआ ताज मैं अपनी बर्थडे वाले दिन पहन रही हूँ। मुझे केक काट दूंगा आप लोग की जाने तो गिर जाएगा केक के अंदर। हैप्पी बर्थडे टू,
और ये छुरिया मुंह में लगी तुम्हारा ही मुंह में मारूंगी देख लेना। हाथ को मैंने पहली पहले पार्ट में खिला दिया था गाइस और आप लोग मुझे कुछ देंगे नहीं। हैप्पी बर्थडे आई लव यू ओ मेरा बच्चा थैंक यू। इधर ये गाइस फोकस फोकस गाइस फोकस फोकस प्लीज फोकस। थैंक यू मम्मा थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बर्थडे में आने के लिए। अब आप खाना खा लेते जा सकते निकले। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि सब बिखरा हुआ है। केक खाएंगे, केक खाने के बाद हम लोग टाटा बाय बाय। गाइस हम समेटने का भी व्लॉग दिखाएंगे। नहीं नहीं दिखाएंगे हम समेटने का व्लॉग, कल दिखाएंगे कल, क्योंकि असली दिन तो बल्कि कल ही आएगा व्लॉग। कल दिखाएंगे कल कल हम समेटने का नेक्स्ट व्लॉग बना के डाल देंगे कि हमने बर्थडे के बाद गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार। गाइस मैं अपनी बहन की बर्थडे में आई हुई थी, आप लोगों ने देखा कि मैंने केक काटा, इन्होंने मुझे पोस्ट किया कि मैं इनके साथ सेल्फी ले लूं बट मैंने नहीं ली। ओह माय गॉड गाइस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार बरसाना इस व्लॉग पे। बाय बाय।